हम बिजनेस करते हैं, हमको एक प्रोडक्ट बेचना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है गूगल पे रैंक करने के, एक तरीका है एसईओ और एक है एड्स। अगर हम गूगल पे कोई भी कीवर्ड सर्च मारते हैं तो सबसे ऊपर हम एड्स देखते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट्स देखते हैं। वो एसईओ के होते हैं, मतलब गूगल ने उसको रैंक किया होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, पीपीसी के अंदर एक क्लिक के हमको पैसे देने हैं गूगल को, मतलब हमारे घर से पैसा जाने वाला है, और जो एसईओ है वो फ्री है। पीपीसी के अंदर इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। आप मुझे आज रात को कहो कि मुझे कल सुबह से अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू करने हैं, मुझे अपने आप को नंबर वन रैंक पे लेके आना है, आप ला सकते हो। पर अगर आप एसईओ करने के लिए कह रहे हो आज रात को कि मुझे कल सुबह चाहिए, तो एसईओ आपको ऐसे रिजल्ट्स नहीं दे सकता। एसईओ के अंदर कीवर्ड के हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ती है, और हो सकता है किसी किसी कीवर्ड के अंदर एक एक साल तक लग जाता है। तो मैंने आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन समझा दिए, तो अब क्या चीज बेटर है हमारे लिए, हमको इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। अब हम क्या करते हैं, हम गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल खोलते हैं, उसके अंदर चेक करके देखते हैं जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसके कितने एड के पैसे देने पड़ते हैं मुझे। अब मान के चलते हैं मैं एक माइक बेच रहा हूं जिसकी मेरी कॉस्टिंग 1,000 रुपये है, और मैं उसको 1,500 रुपये का बेचता हूं, मुझे 500 रुपये का उसके अंदर प्रॉफिट होता है। जब मैं उसको खोल के देखता हूं तो मेरे को भाई 2 रुपए में टॉप नंबर की एड मिल रही है। तो मुझे एसईओ करवाना चाहिए किसी से या फिर नहीं कराना चाहिए? अगर मैं किसी से एसईओ कराने के लिए जाऊंगा तो हो सकता है मुझसे महीने का 10,000 रुपये 20,000 रुपये तक चार्ज करने लग जाए, और 6 महीने 8 महीने तक लग सकते हैं। मतलब मैंने 1,70,000-80,000 रुपये खर्च कर दिए सिर्फ अपने आप को रैंक पे लाने के लिए। पर अगर मैं पीपीसी करता हूं, 2 रुपए खर्च करता हूं, अब लोग क्लिक कर रहे हैं, जिसको लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। अगर आपकी कैंपेन बहुत अच्छी है तो मान के चलते हैं आपको 4% का कन्वर्जन रेट मिलता है। अगर आपने 200 रुपए खर्च करे तो आपको 8 प्रोडक्ट बिक चुके हैं आपके। 8 प्रोडक्ट के अंदर मतलब 500 रुपए आपने एक प्रोडक्ट से बचाया था, और आपने 8 8 प्रोडक्ट बेच भी दिए। तो देखा जाए तो इस केस के अंदर तो बहुत बढ़िया है ना, मैं पीपीसी पे सीधा ऐड चलाऊंगा और सीधा सीधा काम हो जाएगा। पर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, अब जिस की मान के चलो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूं जिसके अंदर मैं सिर्फ 200 रुपए का प्रॉफिट रखता हूं, मान के चलते हैं। अब क्या होता है, अब मैं जब उसकी एड चेक करता हूं तो उसकी एड के लिए मुझे 100 रुपए क्लिक का पे करना पड़ रहा है। अब यहां पे मुझे अगर एक प्रोडक्ट बेचना है तो नाना करते मुझे 5-6 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, और मुझे प्रॉफिट 200 रुपए का हो रहा है। तो यहां पे तो ये प्रॉफिटेबल नहीं हुआ ना। तो यहां पे मैं क्या कोशिश कर सकता हूँ, यहां पे मैं एसईओ कर सकता हूँ, यहां पे मैं अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली ऊपर लाने की कोशिश कर सकता हूँ। और एक और चीज होती है, अगर मैं एड्स चलाता हूं तो एक तरह से क्या होता है, गूगल को लगता है कि इस वेबसाइट पे इस कीवर्ड के थ्रू ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, आपने अच्छी ऑप्टिमाइज एड चलाई है या फिर चलवाई है, कहीं से भी कुछ भी कराया है। तो क्या होता है, बार बार कोई बंदा किसी स्पेसिफिक कीवर्ड खोलता है, उस पर क्लिक करता है और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। हमने बात करी थी रैंक ब्रेन की, तो गूगल को ऐसा लगता है कि ये जो लिंक है ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, चलो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर आप पीपीसी अच्छा कैंपेन रन करोगे तो आपका एसईओ स्कोर भी बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी बढ़ती रहेगी। तो हो सकता है कि आपने पीपीसी पे खर्च किया, धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनिक रैंक बढ़ गई, अब आपको पीपीसी पे पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग दोनों का हाइब्रिड यूज कर लेते हैं कि भाई मैं पीपीसी पे भी काम करूंगा, मैं एसईओ पे भी काम करूंगा, मेरी साइट के अंदर ब्लॉग भी पोस्ट होते रहेंगे, हम कंटेंट मार्केटिंग भी करते रहेंगे, हम अलग अलग जगहों पे लिंक्स भी डालते रहेंगे, हम ये भी करते रहेंगे वो भी करते रहेंगे, जितनी भी एसईओ की टेक्निक होती है वो सारी की सारी करते हैं, साथ के साथ वो एड्स भी चलाते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का ये मोटो था, समझाने का कि आप हर जगह पे एसईओ नहीं कर सकते, आप हर जगह पे पीपीसी नहीं कर सकते, कई कई जगहों पे आप दोनों चीजों का यूज कर सकते हो, कई कई जगहों पे आपको सिर्फ एक ही चीज यूज करनी चाहिए, दूसरी चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। और ये जो बैकग्राउंड है ना भाई, ये ग्रीन बैकग्राउंड नहीं है, घास है, दिस इज घास, ये एक्चुअली जो लपास इंस्टीट्यूट बना है उसका बैकग्राउंड है। धीरे धीरे इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, लाइट वाइट का करेंगे, आपको क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई मिल जाएगी।